कोरोना का असर न केवल त्योहारों पर बल्कि उससे जुड़े व्यवसायों पर भी पड़ा है। शारदीय दुर्गोत्सव नजदीक है, लेकिन बाजारों में इस साल न तो चहल पहल है और न ही बड़ी मूर्तियां इस बार पंडाल में देखने को मिलेगी। हर साल त्रिपुरा में शहरी इलाकों में विषय आधारित और ग्रामीण इलाकों में परंपरा आधारित पूजा पंडालों की भव्यता देखते ही बनती थी, लेकिन इस साल कोरोना महामारी का काला साया दुर्गोत्सव पर मंडराने लगा है। एक तरफ जहां महामारी की वजह से सरकार हर उत्सव को सादगी से मनाने पर जोर दे रही है, वहीं सरकार के इस फैसले का असर व्यवसायिक समुदायों पर भी पड़ रहा है। दुर्गा पूजा से पहले मूर्तिकारों के साथ ही कपड़ों तथा अन्य साज सामानों की दुकानों के लिए भी यह वक्त व्यस्तता भरा होता था, लेकिन इस बार ऐसा कोई नजारा नहीं देखा जा रहा। इस साल 23 अक्टूबर से शारदीय दुर्गोत्सव शुरू हो रहा है। अगरतला के व्यवसायिक समुदायों का कहना है कि दुर्गा पूजा नजदीक होने के बावजूद पूजा की कोई खास तैयारी नहीं हो रही। अगर बात करें हर साल पूजा के समय होने वाले सेल की, तो इस साल कोरोना की वजह से बाजार 90% गिर चुका है। राज्य सरकार ने एक सजेशन दिया कि ओपन पंडाल होगा, तो राज्य सरकार का जो गाइडलाइन दिया है हम लोगों को, उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग ओपन पंडाल कर रहे हैं। और जो प्रतिमा होगा वो 10 फुट का ही होगा, तो हम लोग 10 फुट में कर रहे हैं। और हमारा पंडाल तो ओपन पंडाल ही होगा। हम लोग हमारा क्लब का जो मेंबर है सबको हम लोग 10-15 मेंबर को हम रिक्रूट करेंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो गैदरिंग जिस तरह से ना हो, ये हम लोगों को देखेंगे। अभी तो पूजा का सेल नहीं शुरू हुआ, थोड़ा अभी हो रहा है। जो बिक्री सेल है ना, हमारा 100% था, अभी 20% आ गया। वहीं सरकार की ओर से सीमित आयोजन के निर्देशों के चलते पूजा के आयोजकों ने भी अपना बजट कम कर दिया है। निर्देशानुसार पूजा पंडाल में इस साल 10 फीट से अधिक ऊंचाई वाली मूर्तियों को स्थापित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में मूर्तिकारों के लिए यह करारा झटका है, क्योंकि मूर्तियां बेचकर ही मूर्तिकार अपनी आजीविका चलाते हैं। हर साल त्योहारों के समय मूर्तियों की बड़ी मांग होती है, लेकिन इस बार मूर्तिकारों की परेशानी यह है कि मूर्तियां बनी तो है, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं, और जो मूर्तियां बिक भी रही है उन्हें काफी कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। वहीं इन मूर्तियों को बनाने में होने वाले खर्च में कोई कमी नहीं आई है। लॉकडाउन दिए तो अपना मार्च मास তখন থেকে ধরুন না আমাদের বাসন্তী টাসন্তী পুজো সব ক্যান্সেল হয়ে গেছে, হয়নি। তারপর পুজো হবে কি না হবে এরকম একটা দুধের মধুর মধ্যে আমরা ঠাকুর ঠাকুর তৈরি করিনি সেরকম একটা কিছু, তো আমাদের চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তার মধ্যে দিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে আমরা গেছি যে পুজো টুজো করার জন্য একটা এরকম পারমিশন দেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও চিঠি দিয়েছিলাম আমাদের মৃৎশিল্পীর পক্ষ থেকে। कुल मिलाकर कोरोना ने आम से लेकर खास तक सभी को प्रभावित किया है। इस साल हर उत्सव पर कोरोना का काला साया मंडरा रहा है। अगरतला से सुदीप नाथ की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।